वेक्टर के शेप पे बात करें तो याद रखो सिर्फ चार तरह के शेप नहीं होते हैं, गलती मत करना, वेक्टर के वैरायटी ऑफ शेप होते हैं, बेसिक शेप चार तरह के होते हैं। टर्मोलॉजी ध्यान सुनिए, बेसिक मूलभूत प्रकार से वेक्टर चार तरह के होते हैं। एक होते हैं रॉड लाइक, जिसके लिए हम बैसिलस वर्ड का यूज करते हैं। वेक्टर की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। और पहला खोजा गया वेक्टर था रॉड शेप, ठीक है ना। टर्म वेक्टर जो था एहरेनबर्ग ने, लिटिल रॉड या लिटिल स्टिक उसका मतलब था, वेक्टर वर्ड का मतलब है लिटिल रॉड या लिटिल स्टिक, ठीक है ना। तो बैसिलस रॉड लाइक होते हैं, कॉकस स्फेरिकल गोलाकार होते हैं, ठीक है, और विब्रियो कॉमा शेप के। मैंने कहा यदि मैं लिखता हूं बैसिलस मतलब ऐसा, ये बैसिलस हो गया, कोकस ठीक है, कॉमा शेप ठीक है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप हो गए, ठीक है, ये स्पाइरलम स्पाइरल शेप, ठीक है। ये चार बेसिक शेप होते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाते हैं, तो चार, तो फोर बेसिक शेप वेक्टर क्या है बेटा? रॉड लाइक होगा ये बैसिलस, कॉमा शेप होगा तो विब्रियो, स्फेरिकल होगा कोकस, और स्पाइरल होगा कुंडली के समान होगा तो स्पाइरलम कहलाएगा ये, ठीक है ना। यदि फोर बेसिक शेप कोकाई, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो, ठीक है ना, क्लियर। देखो बेटा ना, अब एक बात ध्यान रखना यहां पे, जैसे कि एक चीज और आती है यहां पे कि एक अकेला है मोनोकोकस, एक अकेला स्फेरिकल सेल है तो मोनोकोकस, ठीक है, दो है तो डिप्लोकोकस, दो से अधिक है चेन ऑफ स्फेरिकल सेल है तो इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेप्टोकोकस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बंच ऑफ स्फेरिकल सेल है बेटा तो वेरी गुड, बंच ऑफ स्फेरिकल सेल है तो अंगूर के गुच्छे के समान स्टे फाइलो कोकस, ठीक है, ठीक है ना। फोर है तो टेक्ट्रा कोकस, ठीक है, क्यूब के समान है ये तो सारसीना, क्यूब के समान है तो क्या बोलेंगे? सारसीना, ठीक है ना बेटा। देखो ना, एक अकेला होगा तो मोनोकोकस, दो होगा बेटा डिप्लोकोकस, चेन ऑफ स्फेरिकल सेल होगा तो क्या होगा बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस, और बंच ऑफ होगा तो ये स्टेफाइलोकोकस, और क्यूब के समान होगा सारसिन, ठीक है ना। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर चूंकि इसका जिक्र बार बार आता है, जब आप पढ़ोगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट नाम आएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, ठीक है ना, तो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या है पता हमको होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। फूड पॉइजनिंग की बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ में तो स्टेफाइलोकोकस का नाम आएगा वहां पे, ठीक है। सेम विद दी बैसिलस, एक बैसिलाई सेल है मोनोबैसिलस, ठीक है, ये सिर्फ बैसिलस बोलेंगे उसको हम, दो है तो डिप्लोबैसिलस, चेन है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, चेन है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो, देख रहे हैं आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे सर चेन क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है, यहां पर बैक्टीरिया इसको इस, जो ध्यान से बात सुना, कंफ्यूज मत रहना, ध्यान से बात सुना, निमोनिया करने वाले बैक्टीरिया को हम डिप्लोकोकस निमोनी भी कहते हैं, उसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म इट फॉर्म चेन्स, इन सम ऑफ द फॉर्म इट इज द यूनिट ऑफ टू स्फेरिकल सेल्स, ठीक है ना, क्लियर। तो कंफ्यूज मत करना, तो कई बार आपको निमोनिया पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो आपको कई किताबों में लिखा मिलेगा डिप्लोकोकस निमोनी, कई में मिलेगा आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। तो यहाँ इमेज में हम ठीक कर लेंगे, दो चार गोले यहाँ पे एक्स्ट्रा होना चाहिए था, तो स्ट्रेप्टोकोकस बोलते बेटा इसको हम, ठीक है ना, क्लियर। ये टेट्रा दिखाई पड़ा, स्टेफाइलोकोकस है, सारसीना है क्यूब के समान, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ शेप हमको देखने मिलते हैं, ठीक। अब जैसे देखो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरा जो हेजा करता है, ठीक है, ये कॉमा शेप होता है, ठीक है। कॉमा शेप बैक्टीरिया का मतलब है कि ये बैक्टीरिया पूरा गोल नहीं घूम पाया, मतलब इट इज द इवोल्यूशन फेज जहां पे वो स्पाइरलम में वो कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा था, तो हम बोलते हैं इसने एक टर्न या एक फेरा पूरा नहीं किया उसने, ठीक है, थोड़ा सा झुका। कॉमा मतलब क्या? कॉमा मतलब एक सर्कल बनाने की कोशिश की उसने, पर सर्कल पूरा नहीं हो पाया, तो हमने कॉमा शेप बोल दिया इसको, हमने, है ना, पूरा घूम जाता तो एक सर्कल पूरा बन गया होता, ठीक है। बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, ये कई लोगों में जो एसिडिटी का प्रॉब्लम जो होता है ना, ये वो करता है, गैस्ट्रिक
अल्सर और गैस्ट्रिक स्टमक कैंसर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ट्रेपोनेमा पैलिडम जो है वो स्पायरोचेट है, स्पायरल शेप का होता है। ट्रेपोनेमा पैलिडम से कौन सी बीमारी होती है? सिफिलिस। के सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। क्लियर, ठीक है ना। अब ये कुछ बातें ये बेसिक बेटा, कहीं पे भी आपको तो कई बार क्या होता है, कई बार ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्लास में हम सुनते हैं ना, वो दिमाग में रह जाती है ना, रेंडम कई बार क्वेश्चन सामने आता है तो हमको वो आंसर करते फिर उससे बन जाता है।